नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक रावत, डायरेक्टर ऑफ मेड गुरुज कोचिंग क्लासेस, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम जिस बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो पॉइंट है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, या मैं कहूँ एक कोर्स के बारे में आपसे बात करने आया हूँ और उस कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग। एक्चुअली बीएससी नर्सिंग क्या है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्यों करना चाहिए, क्या स्कोप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आफ्टर 12th जिन बच्चों के पास साइंस बायोलॉजी है वो बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। एक्चुअली वो बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट किसी कारण से उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनके लिए मेडिकल लाइन में, हेल्थ सेक्टर में जाने का सबसे अच्छा विकल्प नीट के बाद जो बचता है वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक जॉब सिक्योर प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा कोर्स है जो आपको 90,000 तक सैलरी प्रोवाइड करता है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल की ड्यूरेशन होती है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसे करवाती हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत करवाती हैं, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड जो है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। ये 4 ईयर्स का कोर्स है। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आती है कि सर बीएससी नर्सिंग के बारे में आप इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। हमारी जो कोचिंग है मेड गुरु कोचिंग क्लासेस, हम नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करवाते हैं और भी जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, लेकिन नर्सिंग में एंट्रेंस होने के लिए, नर्सिंग करने के लिए, आपको बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और वो होता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बात करूं जैसे आरयूएचएस है, आरजीएचएस है, एमपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, इवन एम्स है, पीजीआई है, आरएके है, ये सब अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। और इस एंट्रेंस एग्जाम का जो बेसिस होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो आपके नीट के सब्जेक्ट्स हैं। जो पेपर का पैटर्न है वो पूरा नीट के बेस पर होता है, बिल्कुल नीट की तरह ही होता है। तो सबसे पहली बात तो ये, एंट्रेंस देने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। 2023-24 जो सत्र चल रहा है, इसके यहां से अब इस साल से राजस्थान में 100% सीटें अब किसके द्वारा भरी जाएंगी, आरयूएचएस के द्वारा। मतलब जो बच्चा, जैसे आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट का एग्जाम देना ही होगा। उसी प्रकार से यदि आपको नर्सिंग करनी है तो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने इस साल कर दिया है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। मेड गुरु कोचिंग क्लासेस जो है उसके पास दोनों प्रकार का मोड है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। दोनों प्रकार के मोड हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये जो ऑनलाइन है ये भी आपका क्लासरूम से लाइव है, जो हम बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं वहीं से सीधा लाइव कोर्स आपके पास आता है, जो आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है। प्लस इसमें जो नोट्स हैं, बैग है, टी शर्ट है, कंटेंट, जो भी टेस्ट पेपर है, वो सब चीजें आपको मिलती हैं ऑफलाइन बैचेस में। ऑनलाइन बैचेस वाले बच्चों को भी जो टेस्ट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि ये कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 3 से 4 महीने होती है, लेकिन जैसे एग्जाम पास में आता है, जैसे मैं भी बात करूं तो इस साल आरयूएचएस की जो बीएससी नर्सिंग की विज्ञप्ति है वो अगले वीक निकलने वाली है, और नेक्स्ट वीक में निकलने का मतलब है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिए कि हम इस कोर्स को आपको 2 से 3 महीने में, 3.5 महीने में पूरा करवा देते हैं। यदि टाइम कम होता है तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है आप लोगों का क्लासेस का। रेगुलरली 6 आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं और उन टीचर्स से पढ़वाया जाता है जो नीट लेवल की कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। उन टीचर्स से नहीं पढ़वाया जाता जो किसी स्कूल से अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर सब्जेक्टिव नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, और उसकी तैयारी जो नीट की तैयारी जो टीचर्स करवाते हैं उन्हीं से हम लोग पढ़वाते हैं। रेगुलरली हम उसका सेशन करवाते हैं, इसमें रेगुलरली आपके वीकली टेस्ट होते हैं, इन सारी चीजों को इसमें ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। जब आप इस एग्जाम को फाइट कर लेते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि हमारा मोटिव जो है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। हम आपको सरकारी कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए पढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें फीस बहुत ज्यादा है, लगभग आपके 4 साल का जो खर्चा है वो 7 से 8 लाख रुपए बैठता है,
लेकिन यही चीज आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वो आपके फ्री में जैसे एसएमएस में या मिनिमल कॉस्टिंग के साथ जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और भी उनमें अवेलेबल होती है, पहली बात। तो इसलिए पहला प्रयास होता है सरकारी कॉलेज। दूसरी बात यह है कि सरकारी कॉलेजों में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होता है तो बच्चे को 4 साल में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है तो बच्चा उतना ही बेसिकली स्ट्रांग हो जाता है। हम उसके लिए भी आपकी तैयारी करवाते हैं जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। जब आप 4 साल का कोर्स ये पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे एम्स नॉर्सेट जो एग्जाम होता है, पीजीआई, डीएसएसबी, ईएसआईसी, रेलवे, सीएचओ, जिपमेर, निमहांस, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और दोस्तों आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो 90,000 रुपीज पर मंथ है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर को 70,000 मिलते हैं लेकिन यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को एम्स में, बीएचयू में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 90,000 रुपीज तक मिलते हैं। तो सैलरी वाइज देखा जाए तो नर्सिंग स्कोप बहुत अच्छा है। आप सभी लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। कोचिंग के बारे में, एड्रेस के बारे में, कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में जो नीचे लाइन चल रही है उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच ऑन 25 मई। हम 25 मई से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा। और आप सभी लोग सुबह 8 बजे मैड गुरु कोचिंग क्लासेस की जो बिल्डिंग हल्दी घाटी गेट प्रताप नगर नियर टू कोचिंग हब, कोचिंग हब के पास में हल्दी घाटी गेट है, बस हल्दी घाटी गेट पर ही कोचिंग की लोकेशन है। और आप इंफॉर्मेशन के लिए जो गिवे नंबर है उन पे कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी आप आइए, ज्वाइन कीजिए। 25 तारीख का, 26 तारीख का डेमो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 2 दिन आप पढ़ के देखिए और उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग। मैं इतना सा कहूंगा कि जो नीट में असफल हो गए छात्र या छात्राएं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद, एमएससी नर्सिंग करने के बाद और पीएचडी करने के बाद आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर एक डॉक्टर से उम्मीद की जाती है। तो आप सभी लोग कनेक्टेड रहिए और मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अनुभवी टीचर्स के द्वारा रेगुलर स्टडी करवाई जाती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।